राम राम जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखो सुबह के बज गए 10, मैंने सारा काम भी कर लिया और नहा धो के हो गई रेडी। और मैंने अपना सूट डाला सर्कुलर प्लाजो वाला, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, और आज फिर मैंने इनर वाला सूट डाल लिया, मतलब थोड़े से पहने गाले हुआ। तो ये मेरा था सर्कुलर प्लाजो वाला, तो ये डाला हमने। और देखो मम्मी ने लगा दी जोत, और मम्मी अखंड जोत लगाए रखा कर भैया, हम इतने डेली जोत रहेगी, दिन रात जलेगी। तो मम्मी जा रही है अब दादा बुढ़े में जोत लगान, और मैं नहा धो ली हूँ। 2 मिनट में भी हाथ जोड़ूंगी माता रानी आगे, और फिर मिलेंगे। ओके, ये देखो भैया, आज मैं सुबह सुबह बना रही हूँ आलू के पराठे। और देखो मैंने बनाया आलू के पराठे, और चमन आ रहा है, लाइटिंग आ रही बाहर तक। तो श्याम की सब्जी बच रही थी ना आलू की, आलू को भी की मैंने कूटकन है, और अब इसके परांठे बनाने लग रही हूँ। देखो बच्चे चले गए स्कूल में, और मनु के पापा के बनाए मैंने आलू के परांठे। ये देखो, और बस ये लास्ट वाला बने गए हैं। और पेस्ट भी खत्म हो गया आलू का। और परांठे हो गए मेरे बनकर रेडी। और ये मैंने बादाम भी रखे थे, मनूर अपने स्कूल में लेकर चले गए, मनूर को देख के वो अपने खा गए, और ये मेरे रह गए हैं, मैंने खाए नहीं अपने। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, ये देखो भाई, मैंने व्लॉग की शुरुआत मैंने करी थी कल तय, तो फिर मैंने कल बस वो जो मैं नाइन हुई थी और मैंने अपना सूट डाला था, जो वीडियो दिखाई थी, बस वो इतना ही सूट किया था। फिर मैंने उसके बाद कल कोई व्लॉग बनाया ही नहीं। तो फिर फिर मैंने आज शुरुआत करी थी, आज सुबह तक जो मैं पराठे मैंने बनाए थे उससे मैंने शुरुआत करी थी, तो मैंने वो कल वाला भी जोड़ दिया, और फिर मैंने आज से शुरुआत कर दी। तो देखो रोटी राटी खाने के बाद इसके पापा भी चले गए थे, और बच्चे भी जा लिए थे स्कूल में, और अब रह गया था बस मेरा काम करना। तो मैं चलो पहले ये कल के कपड़े पड़े थे भाई प्रेस वाले, तो मैंने अलग तक कुर्सी पर रख रखे थे, और ये तय करने वाले अलग था, तो कल भी इनके तय मैं कर रख नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा आज सुबह सुबह कर दूँ, फिर काम करके सूट सिलने लग जाऊँ, फिर मन नहीं करता कुछ और करूँ, फिर हो जाए सूट सिल ले। तो फिर मैंने इन कपड़े की तय कर दी थी, मैं कहा चलो इनके सारे बच्चे के कपड़े की तय कर रख दूँ। और उसके बाद फिर मैं कपड़े की तय करने के बाद फिर मैंने झाड़ू मारी, पोछा मारा, और फिर मैं लगी, फिर 2-4 दिन हो लिया थे बाल्टी वोल्टी नहीं धोई थी। एक तो हम यहाँ एसी का पानी गिरता था उसके नीचे रखा, तो उसमें भी नीचे से जम गया था, और एक ऊपर रखी थी वो भी बहुत गंदी हो रही थी। तो मैं सारी बाल्टी मैंने इकट्ठी कर ली थी, और मैं खाली आज इन बाल्टियाँ ने भी धो दूँ, तो बाल्टी वाल्टी पीपी पैपी मैंने सारी धो दी थी, सारे से गंदे हो रहे थे डब्बे डब्बे, क्यों हाथ लाग जाए भाई, ये बाखर वाखर गाल रूँ भी, मतलब जिसके घर में पैसा का काम हो उनका इसे मतलब उसे इसे किसे हाथ लागण तो रहते नहीं। तो डब्बे भी पीपी भी बाल्टी भी सारी उसी गंदी हो रही थी, मैं तो मैंने सारी मैं कहा चलो इन्हें सरफ लेकर सारी आना धो दूँ, तो अब तक 10 दिन तो ठीक रहूँगी। फिर मैंने सारी बाल्टी बुल्टी पीपे और ये पटड़ी जिस पर मैं बैठी मैंने मतलब सारे धो दिए थे, और
मखा धोने में मम्मी जा रही थी बाथरूम में नहाने, मम्मी लकड़काई थी पर बाथरूम में था और मम्मी ने भीतर ते पहले पीपी भी दी थी एक, हाँ बाल्टी दी थी न बली ला, इसने भी धो दिए। मैं कहा चल ठीक है इसने भी धो दूंगी, तो मैंने सारी धो दी थी। मतलब जिस दिन करा फिर सारा ही कर दें, तो फिर मैंने आज मैं सफाई पर पूरी जुट गई थी। मैं कहा चल आज सारी कर दूँ, जो भी रह रही है भाई ये छोटे मोटे काम सारे कुछ न कुछ लकड़े आए जाए घर में रहते, घर में कुछ ना कुछ ना सफाई खातर रह आए रहे। तो देखो मैं जिस पाटड़ी पर बैठी थी मैंने पाटड़ी भी धो दी थी, और मैं चलो इसने भी धो दूँ। तो इसके धोने के बाद फिर चलो और कुछ करूँगी, तो फिर मैंने सोची चलो बाथरूम के टैल भी साफ़ कर दूँ। और कल भाई बंदर बहुत परेशान करो, इतने परेशान करें कि बाखर के डेग चे दे रहे हैं ना, फिर उन मदलिया रन दिया करें, तो बंदर नहीं बेचारे भूखे मरते हो दलिया ने खाना जहाँ, और नहीं सारे खंडाया खुंडू दें भूडी ब्रैन माटी कर दे। तो इस मारे मम्मी ने बोली कि इसने बाखर के डेग चाने नहीं बाथरूम में धर दो ना आए पीछे, तो बाथरूम में धर कर वैसे तो गेट भी बंद कर रखा था पर पता नहीं मारे तो खुल्या रह गया कि न खोल लिया, और खोल कर ने मतलब ओड़ भी दलिए ने खा गए और सारी दीवार पर छीट मार दी दलिए की, और छीट लग गया पीछे सब उंडाल हो गया था सारे का। तो मखा चलो आज इसकी बाथरूम की सफाई कर दूँ। और ये देखो कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे धोने के, क्योंकि बुधवार है ना, तो पर मैंने सोची मैं कहा चल कपड़े शाम ना धो लिए, ये भी सुबह काम हो गया ना तो सफाई का हो जाएगा, फिर ना होगा फिर तो आज करूँ कल करूँ, तो फिर कल फिर तो कल हो जाता, फिर हम लागेंगे कुछ काम करन और वो देखियो हम के करेंगे के नहीं। तो मखा आज कर दो सफाई, तो इस मारे मैंने मखा चल लाग कर दो भाई जोड़े जड़े के। और देखो इस गेट पर भी दलिया लगा गए थे सारे, कितना बूंडाल कर दिया था, तो मैंने गेट गाट सारे टैल वैल ठूठी ठाठी सब कुछ साफ कर दिया था। उनका चलो पूरा कर दे। और बाथरूम में मतलब भी जब भी इतना बूंडा हो जाए कि मैं तो छिट्टे छटे ला कर ना सारे टैल वैल बहुत गंदा हो जाए, मतलब एक लेडीज का तो यही सा काम है, उसने नहीं स्पेशल बस घर के काम की सफाई पर ही रहना पड़ा ही सा काम है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ साफ करना बस की आज कितने की सफाई आज कितने की सफाई कुछ ना कुछ नहीं हो डेली लकड़ाए रहा है। तो मैं तो ये मानूँ कि भाई घर का तो इतना काम हो गया है हमारा, तो काम चाहे कुछ और काम करे भी नहीं बेच सकता है, हमारा घर का काम इतना हो जाए पर क्या करें, घर का काम करने के साथ साथ आजकल भाई महंगाई इतनी हो रही है फिर और भी कुछ काम करने की सोच ले, जैसे मैं सिलाई करूँ हूँ व्लॉग बनाऊँ हूँ, कोई अपने ड्यूटी करे है, कोई ब्यूटी पार्लर का खोल रही है, कोई कुछ कर रही है, क्योंकि भाई महंगाई इतनी हो रही है हस्बैंड का साथ इनकम में देना पड़ा है, तो इस मारे और सब सबकी मर्जी भी है कुछ ऐसी भी है, बस काम अपना घर का काम कर रही है। तो ये देखो बाथरूम की कर दी थी मैंने सारी टाइल साफ, ये बागी थी मैं रसोई में, और आज तो मैंने बहुत सारी मेहनत कर दी थी एक साथ में, मैं कहा चलो ये लागी लुगी रसोई की भी टाइल साफ कर दूँ सारी। और ये ऊपर जितने गैस रखी है ना नीचे कितनी गंदी नहीं हो रही थी, बस ये ऊपर रखे के जहाँ पर गैस रखी है ना यहाँ पर छीट लग लग कर जब सब्जी की और ओड़े का बुरा हाल हो रहा था, चाय वाय बनाओ उसकी बाफत है तो ओड़े का बुंडा हो रहा था, मैं कहा चल इन्हें भी साफ कर दूँ आज तो ओड़े का कर दिया था मैंने, फिर ये गेट भी कर दिया था, गेट भी गंदा रहा था इसका भी बाहर भीतर लकड़ा बड़ा है ना तो उसे कुछ हाथ लागी जा है, और ये ओड़े का करके ना फिर मैं आ गई थी अड़ा बाहर। और देखो ये मैंने रसोई की भी बाहर की भी टाइल साफ कर दी थी सारी, मैं चलो इतना लागे लोग इन्हें भी साफ कर दूँ। और भी लोग ना पूरा देखा करो, स्किप मत करा करो प्लीज़। और ये देखो और जो भी चैनल पर नया हो भी चैनल ना सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक करा करो शेयर करा करो। और देखो फिर ओडेका करने के बाद फिर मैं शोकेस पा गई थी, और फिर मैं शोकेस की सफाई करूँ थी तो मैंने देखा वहाँ पर थोड़ा सा जाड़ा सा लग रहा था, मैं खाई इतना लागे लोग इसने भी साफ कर दूँ, फिर मैं झाड़ू उठा के लाई और ओड़े का जाड़ा सा उतार दिया मैंने। और फिर मैंने शोकेस पर कभी कपड़ा मार कर ना फोटो वोटो सारे साफ़ करके जचा दिए थे, क्योंकि शोकेस पर भी कई सामान रखे थे। और फिर फ्रिज पर कभी पूरी सफाई कर दी थी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ, आज के लिए राम राम भाई।